जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये काय के लिए लगाना कि तेरे अंदर जो कर्तृत्व चलता है, पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार प्रणमन कराने की जो इच्छा है उसको मिटाने के लिए ये सब है, लेकिन ये स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है कि आत्मा का पुरुषार्थ तो और स्वच्छंदी का अर्थ वो मत लगाया करो। जो जीव आत्मा से प्रेम नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, वे सब स्वच्छंदी हैं। लिख लो आज के बाद स्वच्छंदी की परिभाषा। क्या लिखा? जो अपनी आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं करते, गहरे तत्व अभ्यास में नहीं उतरते, तत्व विचार नहीं करते, वे सब स्वच्छंदी हैं। चाहे वे कितने पूजा पाठ करते हो, चाहे वो कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हो, चाहे वो कितने दान देते हो, आत्मा की तरफ से वे स्वच्छंदी हैं। क्रियाकांड की तरफ से स्वच्छंदी हो नहीं हो, उससे आत्मा का भला नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात बोली है। क्या? क्रियाकांड की तरफ से कोई स्वच्छंदी हो, इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, और कोई बहुत क्रियाकांड करता हो, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। जब तक सच्ची आत्मा की रुचि स्वयं को ना हो और आत्मानुभूति का प्रयास ना हो, सब बेकार है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी जन्म में मुनि बन गए, किसी जन्म में भोगी बन गए, तो क्या होता है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकलते हैं, और मैं तो एक गिनती बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि समझ में आ जाए। शास्त्र तो कहते हैं कि अनंत भव निकलते हैं, तब जाके जीव संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आता है। और यहाँ अब देखो कितनी मुश्किल से तो अपन मनुष्य पर्याय में आए, थोड़ा विचार करना। और कितने समय की पर्याय है, उसका काल देखो, उसका रेशो देखो। नहीं समझ में आया है? उदाहरण देके समझाऊं कि रात और दिन गर्मी में मर रहे हो और एक जरा सा हवा का झोंका है और चला जाए, कितनी गर्मी मिटा देगा? नहीं समझ में आया क्या होगा उससे? श्री गुरु कहते लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है कि तुमने करोड़ों अरबों अनंत अनंत भव में अनंत दुख झेले, और जो 60-70 बरस की मनुष्य पर्याय है, और 60-70 बरस की मनुष्य पर्याय में उसके सामने ये काल कुछ भी नहीं है, और 60-70 बरस में से तुमने 50 खो दिए, अब कितने बचे? 10 या 20, वो भी पता ही नहीं है कि भी क्या पता, आयु कर्म तो किसी के नहीं है। तो भी श्री गुरु कहते अभी भी तेरे हक में फैसला हो सकता है। अभी भी हो सके। कैसे होता है? अगर तू गहराई से अभी भी तत्व अभ्यास करे, तत्व विचार करे, तत्व निर्णय करे, तो तुझे अभी भी आत्मानुभूति हो सकती है। और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो 4 गति का परिभ्रमण मिट जाएगा।